स्पीड से बारिश होनी शुरू हो रही है और अभी बिल्कुल जोर से हो रही है। देखिए बाहर की तरफ, तो इतने अच्छे मौसम में मन करेगा आपको कि आप कहीं आउटिंग पे जाओ, घूमने जाओ, फोर व्हीलर में घूमो, एंजॉय करो, कॉफ़ी, अच्छे अच्छे स्नैक्स का मज़ा लो, आप अच्छे अच्छे मूवी हॉल में जाके मल्टीप्लेक्स का मज़ा लो, और आप अपने नियर वंस के साथ, डियर वंस के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, हस्बैंड के साथ घूमो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, ऐसे मौसम को मिस नहीं करना है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं होगा, पता है क्यों? इसी को कहते हैं मैच्योरिटी। व्हेन वी आर मैच्योर, हम 18 प्लस हैं, हमें डिसीजन लेने का हक है, लेकिन मैच्योरिटी यहाँ आई नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। एक्चुअली मैच्योरिटी इज़ द काइंड ऑफ थिंग, जबकि आपके पास ये समझ आ जाती है आपको कि अपॉर्चुनिटीज़ है, आप चाहो तो कुछ भी खरीद सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, इनफ पैसे हैं, लेकिन इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय करने का मौका नहीं है, क्योंकि आपके सर के ऊपर, आपके कंधे में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर। और अगर आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर करके घूमने चले जाते हो तो एक दिन आपका वेस्ट होता है, और उस दिन के वेस्टेज की जो भरपाई है वो आपको दिगना भरना पड़ेगा नेक्स्ट डे, ये आप होने नहीं दोगे। इसलिए ऐसे मौसम को भी एंजॉय करने का आपके पास मौका है, चांस है, लेकिन पार्टनर भी है, लेकिन आप नहीं कर सकोगे, और उस नहीं करने को ले करके एक चीज़ वाले फेस के साथ, एक ब्रॉड स्माइल के साथ आपको जो भी कर रहे हो प्रोडक्टिव थिंग्स इन अ डे उसको एंजॉय करते हुए लाइफ को आगे ले जाना है, कल की ओर जाना है, विदाउट एनी कंप्लेंट्स। दिस इज़ कॉल्ड मैच्योरिटी। यही थी आज की मोटिवेशनल वीडियो, कि लाइफ में जो कुछ भी नहीं होता है उसको हंस करके एक्सेप्ट कीजिए, और उस हंसी के साथ समझने मत दीजिए किसी को कि आपको तकलीफ हो रही है, और तकलीफ को माइंड से बाहर निकालिए, अपने आप को दूसरे चीज़ों में बिजी रखिए, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जिसको आप मिस करोगे एज यू ग्रो, लेकिन आपको वो मिस करने का दुख माइंड में एंट्री नहीं करना है और हंसते रहना है थ्रू आउट द सीन। दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी। Bye bye, have a great time.